खबर शिवपुरी से है, जहां के सुभाषपुरा थाना के अंतर्गत गुरावल गांव में एक अविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ससुराल वालों ने बताया कि महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। सुभाषपुरा थाना पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम गुरावल में रहने वाली 26 वर्षीय महिला किरण पत्नी सोनू सेन की बीती रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं ससुराल वालों का कहना है कि हल्का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद किरण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो मृतका के पिता आसाराम सेन ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं। पिता का कहना है कि किरण ने आत्महत्या नहीं की, उसे मौत के घाट उतारा गया है। पिता का कहना है कि जब वो बेटी के ससुराल पहुंचे तो उनकी बेटी की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी, छत के कुंदे में रस्सी लटकी थी। पुलिस की पूछताछ में ससुराल वालों ने बताया कि किरण को रस्सी काटकर इसलिए उतारा था क्योंकि किरण की सांसें चल रही थी, और अगर ऐसा था तो उसकी बेटी को उपचार के लिए क्यों नहीं ले जाया गया। मृतका के पिता ने पोस्टमार्टम हाउस पर बताया कि बेटी का पति बीमार रहता था, इसके साथ ही अपाहिज भी था, जिसके कारण सास किरण के चरित्र पर शक करती थी। उधर सुभाषपुरा पुलिस ने परिजनों के संदेह के आधार पर मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर मर्ग कायम कर लिया है। एक कारण क्या है, सासुर में रट्टा उत रहा था, कहीं सास को आदि के तुम भगी रही है, फलाने के संग भगी रही है, ये वाला विरोध हुआ था, तो ये विरोध में हमने इतना बड़ा विरोध कर दिया। कुछ नहीं कहता पति, कुछ नहीं कहता पति, तो विकलांग उसको टीवी ये सुधरा आएगा।